डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन मिशन शक्ति कुपवारा की जानिब से आज केजीपीवी हफरडा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस वर्कशॉप को यहां पे इनेकाद करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर खालिदा यासीन और जेंडर स्पेशलिस्ट शगुफ्ता बांडी आई थी, जिन्होंने यहाँ पर इस तकरीब में हिस्सा ले कर यहाँ पर मौजूद बच्चों से खिताब करते हुए उनको ये अवेयरनेस दिया कि किस तरह से एक बच्ची को अपनी हिफाजत खुद से करनी होगी और खुद से किस तरह से हर वक्त हर मामले में एक बच्ची को आगे बढ़ना होगा। इस वर्कशॉप में जोनल एजुकेशन ऑफिसर विलगाम मुश्ताक अहमद मीर के अलावा वन स्टॉप सेंटर से जीनत महराज, निगत फयाज और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से ताहिरा भट्ट ने शिरकत की और इनके अलावा यहां पे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हफरडा के हेडमास्टर काजी इरशाद भी मौजूद रहे। हमारी बच्ची शिकार होती है, क्यों हर घर में अगर किसी बाप को छह बेटियां होती है फिर क्यों इंतजार है कि मेरा बेटा होना चाहे, क्यों इस बात की जिक्र नहीं होती है, क्यों ये मर्द नहीं सोचते है, क्यों वो औरत नहीं सोचती है, ये जो बच्चियां ही ये छह है या पाँच ही, लेकिन ये पांच बेटों से ज्यादा अच्छी है, ये वो क्यों इस इंतजार में रहती है कि नहीं बेटी बेटा होना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज एन अवेयरनेस स्कीम लॉन्च्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी ऑन 22 जनवरी 2015 एट पानीपत हरियाणा। The main objective of the scheme is to address the decline in sex ratio, to empower women and to encourage the girl child to participate in education and the main purpose of the scheme is the enforcement of PC and PNDT Act. बेटी को बचाना है मरने से, अगर माँ के कोख में कोई भी मतलब पल रहा है कोई बच्चा तो ये जानने की कोशिश ना करें कि ये बेटी है या बेटा, क्योंकि ये दो बराबर है। जब बेटी होगी तभी बेटा होगा, जब बेटा होगा तभी दो बराबर है, इसमें कोई शक नहीं। तो इसको पढ़ाना है, इस बेटी को पढ़ाना इसलिए है ताकि ये अपनी जो राइट्स हैं उनको समझे। आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या राइट है, जब आप पढ़ोगे तभी पता चलेगा ना। लाइब्रेरी हम तब कहते हैं जब कोई चीज हमारे लिए बेकार होती है। जब आपने गर्ल को एजुकेशन ही नहीं दी, गर्ल को पढ़ाया ही नहीं, तो आपको लग रहा है कि अब मुझे इससे इन्वेस्ट करना है, मुझे पैसा इस पे खर्च करना है, इसकी शादी पे मुझे खर्च करना है। यू डोंट हैव टू गो ऑन दिस, प्लीज इंप्लीज। गवर्नमेंट ने इतने सारे इनिशिएटिव्स उठाए हैं, इतने सारे स्टेप्स लिए हैं। जी बीवीज की बात मैं करूँ, आपको यूनिफॉर्म तक फ्री मिलती है, सब कुछ फ्री मिलता है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू वन थिंग ऑन दिस, ये इंग्लिश प्रोवर्ब है कि यू कैन टेक ए हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक। आप एक घोड़े को दरिया तक तो ले जा सकते हैं बट आप जबरदस्ती उसको पानी नहीं पिला सकते। हम आपको दरिया तक ले रहे हैं, आपका एजुकेशन सिस्टम आपको दरिया तक ले रहा है। गवर्नमेंट है जो इनिशिएटिव्स उठा रही है, ये इसलिए उठा रही है ताकि आप लोगों को फायदा मिले। नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। गवर्नमेंट कितना भी क्यों ना करे, जब तक हम खुद को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर अस कि हम ये जो स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये पॉसिबल है। जब तक ना हम अपने इन बच्चियों को अवेयर करेंगे अबाउट देयर राइट्स, अबाउट देयर ड्यूटीज, अबाउट देयर स्कीम्स, व्हाट्स एवर गवर्नमेंट हैव लॉन्च्ड। आप देखें हमारे डिपार्टमेंट में कितनी स्कीम्स हैं बच्चों के लिए, या बाकी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हैं, या बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन बच्चियों को क्या काम करना है। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ सैयद सहरिश असगर, जब भी हम उसके प्रोग्राम, वो सिर्फ यही बताती थी औरतों को कि आपको खड़े होना अपने टांगों बस। प्रोग्राम के आखिर पे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ